आदाब नमस्कार सत श्री अकाल हिंदुस्तान जिंदाबाद। मैं हूं जाहिद अली खान और आप देख रहे हैं बेखौफवार न्यूज़। बुलंदशहर यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं और वरिष्ठ पदाधिकारियों ने कलेक्ट्रेट गेट पर फलों की ठेली लगाकर बेचे फल, जताया अपना विरोध। फल बेचकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पीएम मोदी के जन्मदिवस को बेरोजगारी दिवस के रूप में मनाया। फल बेचकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने दिया बेरोजगारी और महंगाई का संदेश। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने महंगाई और बेरोजगारी समेत तमाम वादों को लेकर सरकार पर लगाया वादा खिलाफी का आरोप। वरिष्ठ पदाधिकारी कांग्रेस यूथ बुलंदशहर जियाउर रहमान ने कहा कि मोदी जी ने जब से प्रधानमंत्री बने हैं वादा खिलाफी करते आए हैं। उन्होंने मोदी जी ने तो सभी हिंदुस्तानियों से वादा किया था कि हर साल वो जो है 2 करोड़ रोज़गार देंगे, महंगाई पर अंकुश लगाने का काम करेंगे और इसके साथ साथ 2022 तक तमाम हिंदुस्तानियों में, हिंदुस्तान में जितने भी गरीब लोग हैं उनको जो है अपना सबका अपना आवास होगा गरीब लोगों का। इसके साथ साथ किसानों को उनकी न्यूनतम MSP उनको जो है उनके मूल्य सही मिलेंगे, फसलों के दाम। बहरहाल ज़ियाउर रहमान ने आरोप लगाया कि मोदी जी ने जो है वादा खिलाफी कर रहे हैं लगातार और कहीं ना कहीं देश में महंगाई से जनता त्राही त्राही मचाए हुए है और तमाम जनता दुखी है और परेशान है। और दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि देश के गृह मंत्री अमित शाह जी के बेटे जो कि BCCI के सेक्रेटरी के पद पर 6 साल के लिए उनको नियुक्ति मिली है, उनका साफ आरोप है कि किसानों के बेटे और किसानों के बेटे उनको अग्निवीर के लिए 4 साल की नियुक्ति, ऐसा क्यों? तो बहरहाल ये सब उन्होंने एहतजाज अपना विरोध प्रकट किया है। महंगाई और बेरोजगारी समेत तमाम वादों को लेकर सरकार पर आरोप लगाया और वादा खिलाफी का भी आरोप लगाया। ये था आज का अपडेट। अपना ख्याल रखिए, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हिंदुस्तान जिंदाबाद। यूथ कांग्रेस से हैं हम लोग। आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो जन्मदिन है बड़े धूमधाम से सब्जी बेचकर और फल बेचकर नारियल बेचकर के मना रहे हैं और राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस पूरा युवा मना रहा है। आज ट्विटर पर नंबर 1 ट्रेंड कर रहा है राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस। इसलिए ट्रेंड कर रहा है कि मोदी जी ने 2 करोड़ रोजगार प्रत्येक वर्ष देने का वायदा किया था लेकिन सब हवा हवाई है। क्या देश में 8 चीते करोड़ों युवाओं को रोजगार देंगे? तो ये सब मुद्दे हैं। हमें तो 4 साल में अग्निवीर मोदी जी बनाएंगे और अमित शाह का बेटा जैसा BCCI का सेक्रेटरी 6 साल बनेगा, ऐसा क्यों? तो ये सब हमारी मांगे हैं। हम लोग चाहते हैं मोदी जी से कि मोदी जी स्वस्थ रहें, दीर्घायु हों, लेकिन वो युवाओं के प्रति गंभीर हों। हम ऐसी ईश्वर से कामना करते हैं, ये कामना करते हैं ईश्वर से कि मोदी जी को सदबुद्धि दे, वो हमें रोजगार दें, वो हमें अच्छे शिक्षा के अवसर दें। क्या क्या बेच रहे हैं आज यहाँ पर? हम सेब बेच रहे हैं, केला बेच रहे हैं, नारियल हमारे पास है।